हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम पे बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। और जनाब, देख तो लिया होगा आपने कि आलू मटर गाजर बन रहा है, और बन कैसे रहा है? टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल में अदरक लहसुन हरी मिर्च लाल मिर्च का पेस्ट जो है वो मैंने बनाया है, कूटा है बल्कि, तो उसके साथ बन रहा है जी आज आलू मटर का सालन। और बड़े मज़े का लगता है जो आप ताज़ा मसाला पीस के डालते हैं हंडिया में। एक तो उसकी खुशबू बड़ी डिफरेंट सी आती है, बड़े मज़ेदार सी आती है, और टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट आता है जी जनाब। तो बातों बातों में मैंने यहाँ छील लिया है अदरक लहसुन भी, और चलते हैं और देखते हैं हमारा सिंपल सा मेथड वेजिटेबल बनाने का। जी जनाब, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रीन चिली जो होती है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इवन कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे आप टमाटर हैं, खीरे हैं, तो अगर इन्हें विनेगर और सॉल्ट में अगर आप वॉश करके ड्राई करके पेपर टॉवल लगा के कंटेनर्स में रख देंगे तो ये बहुत दिन चलते हैं, 15 से 20 दिन चल जाते हैं। इवन बेरीज़ जो हैं वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनको भी अगर आप विनेगर सॉल्ट में वॉश करके ड्राई करके तो कंटेनर्स में रखेंगे पेपर टॉवल लगा के, तो वो भी काफ़ी दिन तक चल जाती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये है जी मटर जो हम लेकर आए थे पाकिस्तान से। चंद एक चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान से लेकर आते हैं और साल भर चलती हैं। कोई आए जाए तो घर वाले भिजवा देते हैं, लाइक मेडिसन्स, साग, मटर, घी, मक्खन जिसे कहते हैं, देसी मक्खन होता है जो, ये चंद एक चीज़ें हैं जिनका स्टॉक जो है वो हमारे पास रहता है। और यहाँ डाल दिया है जी हमने कुटा हुआ मसाला, और मसाला जब अच्छे से भुन जाए तो आप इसमें वेजिटेबल ऐड कर दें। और वेजिटेबल्स में मैं कभी भी पानी नहीं डालती हूँ, सब्ज़ी कहते हैं कि अपने ही पानी में पके,
तो वो ज़्यादा टेस्ट देती हैं। हाई फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है। जब इसका अपना पानी सब्ज़ी का ड्राई हो जाए तो आप इसे लो फ्लेम पे पकाएं, तो बहुत मज़े का जो है वो सब्ज़ी का सालन, जितनी भी सब्ज़ियां हैं उनका सालन इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनता है। फाइनली सालन हमारा रेडी हो चुका है। लास्ट में हमने इसमें डाला है जी ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्च, अच्छे से इसे मिक्स करके, और आप पराठे, गरम गरम पराठे के ऊपर इसे रख के खाएं, और अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। जी जनाब, तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ पराठे। आपको भी खाने हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जिस जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.